सो फ्रेंड्स, फाइनली जो है पीसीएस का यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो फॉर्म फिर से रीओपन होने वाला था वो हो गया है। तो आज की डेट से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विज्ञापन, और उसके अलावा यहाँ पर जो फिर से रिवाइज्ड हुआ था, उसके अलावा यहाँ पर जो रिवाइज्ड नोटिफिकेशन है वो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन हुए तो कैसे क्लिक करना। तो एक बार हम जो रिवाइज्ड है उसके बारे में आपको एक बार बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये लोक सेवा आयोग का जो है आज की डेट में यानी कि कल की डेट में ये शुद्धि पत्र है, जहां पर उसने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल में आप देख सकते हैं जो आवेदन की तिथि है वो 13 जनवरी यानी कि आज से, और जो लास्ट डेट है वो 2 फरवरी है, यानी कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है आपकी 2 फरवरी है। अब इसमें जो फॉर्मों में जो परिवर्तन हुआ था उसमें जो है 65 जो है पद और से उसमें ऐड हुए थे। तो जो नोटिफिकेशन है ओल्ड वाला उसमें आप देखें, उसको मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये 7 दिसंबर की यहाँ पर ये डेट है, जिसमें कि पदों की संख्या बढ़ाकर 318 कर दी गई थी। तो यहाँ पर सारे पद जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के यहाँ पर भरे गए हैं, तो पदों की संख्या यहाँ पर एक्सटेंशन हुई है। अब आते हैं कि किस तरह से आपको इसमें जो है फॉर्म भरना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन आया है कि ऑनलाइन आवेदन करने है, तो यहाँ पे आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं नए पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पर आपको सभी तरह के स्टेप दिखाए जाते हैं। आप देख सकते हैं स्टेप 1 में आपको इंस्ट्रक्शन भरने हैं, स्टेप 2 में कैंडिडेट हेयर बाय इन्फॉर्म दैट ऑल द जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं, और स्टेप 3 में जो है मेन इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, उसके बाद एक्स्ट्रा एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, उसके बाद अपलोड सिग्नेचर एंड फोटो, और उसके बाद फाइनल रिव्यू एंड सबमिट, और उसके बाद आपको प्रिंट लेना है। यानी कि टोटल 6 स्टेप्स हैं जो आपको कर रहे हैं। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी ऐसे डालें जो कि हमेशा हो, क्योंकि सारी अपडेट वहां पर आती हैं। आप और आपका ईमेल आईडी पर जो है लॉगिन और पासवर्ड भी आएगा, और उसको आप रिडाइट कर सकते हो। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म द फाइनल, और साथियों में कैंडिडेट एडवाइस नोट टू दियर रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि आपको जो है काफ़ी संभाल के रखना है। ऑटो में कैंडिडेट हैव टू अपलोड देयर जो फोटो है, और आप जो है उसको इस साइज में भर लें, यानी कि जो आपकी फोटोग्राफ होगी उसकी साइज जो है 20-50 KB होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो आपकी 10-50 KB के आसपास होनी चाहिए। उसके अलावा 9वें में अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की जो इन्होंने ईमेल आईडी दी है UKPSCHelpline@gmail.com पे आप इस पर जो है मेल कर सकते हैं। उसके अलावा इफ मोर देन एप्लीकेशन इज फिल्ड बाय कैंडिडेट यूजिंग सेम डिफरेंट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, हीज और हर कैंडिडेट वुड बी कैंसिल। यानी कि यहाँ पर उन्होंने साफ साफ एक बात बोल दी है कि अगर एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर और एक से ज़्यादा ईमेल आईडी से भरे गए, यानी कि सेम जो है नाम के साथ, तो बात की बात आती है, सेम नाम तो हो ही सकता है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपको अगर एक से ज़्यादा फॉर्म भरने हैं तो यहाँ पर सेम ईमेल आईडी और सेम कॉन्टैक्ट नंबर आपका होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर जाएगा, तो इस बात का बहुत ध्यान दें। तो ये 10 के 10 इंस्ट्रक्शन जो है आप बहुत ध्यान से पढ़ें। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई नाउ पे जो है आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के क्लिक करेंगे तो आपके पास 30 मिनट्स होते हैं, यानी कि इस पूरे फॉर्म को भरने के लिए आपके पास 30 मिनट होते हैं, जो आपको बहुत ध्यान से भरना है और बहुत सावधानी से इसको फॉर्म को भरना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको जो है ऊपर अपना नाम देना है, फादर नेम, मदर नेम, देन अपना आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। ऑलरेडी इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप देख सकते हैं, और जो मैक्सिमम एज है वो 46 है, उसमें एक साल के अगर आप छूट मांग लेंगे तो 47 साल यानी कि 47 साल तक के अवधि के लोग जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके आगे यहाँ पर अगले जो एज की जो कैलकुलेशन होगी आपकी वो 1 जुलाई जो है 2021 से होगी, यानी कि कंप्लीट जो है 47 साल। अपना फिर स्टेटस देख सकते हैं आप, जेंडर, उसके बाद जो भी है, उसके बाद नेशनलिटी, और उसके बाद डोमेसाइल कहाँ से हैं। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो उसको यस कर सकते हैं, हैं, अदरवाइज आप उत्तराखंड से नहीं हैं तो आप जर्नल की कैटेगरी में जो है इसमें जो आएंगे। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ जो है यहाँ पर बोल दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने
कैटेगरी देनी है। उसके बाद ये सेक्शन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से डिटेल भरनी है, अपनी ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, और क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी आपको मेल के थ्रू और फ़ोन के थ्रू दी जाएगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन यहाँ पर जो है एड्रेस भरना है, तो एड्रेस में आप यहाँ पर जो है लाइन वन लाइन टू जो भी आपका यहाँ पर होगा, उसके अलावा जो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं उत्तराखंड में, उसके अलावा स्टेट, स्टेट से ऑफिस से बात है, आप उत्तराखंड ही भरेंगे, लेकिन अगर आप उत्तराखंड के बाहर के भी हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा पिन कोड, उसके बाद परमानेंट अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप बॉक्स को लगा सकते हैं टिक, अदरवाइज आप दूसरा भर सकते हैं। उसके अलावा प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, यानी कि किस स्थान से आप फॉर्म भर रहे हैं वो भी यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद लॉगिंग डिटेल जो है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आपको बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कैरेक्टर होना चाहिए पासवर्ड शुड बी मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 15, यानी कि मिनिमम 8 और मैक्सिमम 15 है, जहाँ पर सारे जो है स्पेशल कैरेक्टर्स में से आपको कोई एक जो है स्पेशल कैरेक्टर बनाना है। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर कन्फर्म, और उसके बाद सार ये चीज़ें आपको कंटिन्यू कर देनी है, तो यहाँ से आपकी जो है पर्सनल चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये रही सारी डिटेल, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, बाकी जो भी डाउट्स होंगे हम वहाँ पर जो है आप अपने कमेंट्स रख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स वॉचिंग।